यहाँ पर पाठ्य पुस्तक में हमें धरती के आगे पाठ से प्रशंसा देखें तो आपको प्रशंसा में क्या पूछा गया। पाठ में बताया गया है कि अब उपग्रह शिक्षक का भी काम कर रहे हैं। शिक्षक के रूप में क्या क्या काम कर सकते हैं सोचकर बताओ। और पेज नंबर टेक्स्ट बुक में 26 पेज नंबर में प्रशंसा बिट में दिया यह प्रश्न। और पाठ में शिक्षक के रूप में हमें कैसा किस तरह की सहायता करते हैं कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह माने क्या है? मैन मेड सैटेलाइट। और यहाँ पर जवाब देखिए प्रशंसा में प्रश्न लिखेंगे और प्रश्न है पाठ में बताया गया क्या बताया गया बताया गया है कि अब कृत्रिम उपग्रह शिक्षक का भी काम कर रहे हैं। शिक्षक ये शिक्षक के रूप में क्या क्या कर सकते हैं वे शिक्षक के रूप में। शिक्षक माने अध्यापक टीचर। शिक्षक के रूप में टीचर के रूप में सैटेलाइट हमें कैसे सहायता देते हैं रूप में क्या क्या कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सोचकर बताओ ऐसा कहा प्रश्न। और यहाँ पर उपग्रह से निम्नलिखित सारे काम कर सकते हैं जो एक साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना देता है। और यहाँ पर शिक्षक के रूप में एक अध्यापक के रूप में क्या क्या हमें काम कर सकते हैं। और एक टीचर नहीं है फिर भी सैटेलाइट के द्वारा अध्ययन कर सकते हैं टीचिंग कर सकते हैं इस तरह से हमें क्या क्या कर सकते हैं कृत्रिम उपग्रहों की सहायता से शिक्षक का भी काम इसी के सहारे हो रहा है। इसलिए कृत्रिम उपग्रहों की सहायता से हमें किस किस क्षेत्र में और विच फील्ड में हमें ज्यादा उपयोग होता है यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पर कृत्रिम उपग्रह हमें आजकल बहुत सहायता दे रहे हैं और कई माध्यमों में अध्ययन के लिए कृत्रिम उपग्रहों की उपयोग हो रहा है। और कई माध्यमों में और जवाब लिखना है कई माध्यमों में माध्यम इन सब मीडिएटर के जैसा माध्यमों में रहकर कृत्रिम उपग्रह मानव जाति को मानव कई माध्यमों में रहकर कृत्रिम उपग्रह मानव को अधिक सहायता कर रहे हैं। कैसे? और टीवी के द्वारा
शैक्षिक और शैक्षिक टीवी के द्वारा और रेडियो, रेडियो कैसे चलाते हैं और सिग्नल आने से रेडियो किस तरह से चलता है और रेडियो रेडियो और वेबसाइट ये क्या है, पूरा नेटवर्क है। नेटवर्क के लिए किसकी सहायता यहाँ पर मिला, हमें कृत्रिम उपग्रहों की सहायता मिला इसलिए, और वेबसाइट की वेबसाइट वेबसाइट के लिए और खोज के लिए खोज खोज इन्वेंशंस खोज के लिए हम पढ़े पाठे और खजाना भूगर्भ में जो खजाना होती है और उस खजाना को पहचानने में भी कृत्रिम उपयोग की अधिक महत्वपूर्ण स्थान है और खोज के लिए हमें कृत्रिम उपग्रह की सहायता होती है। और नेक्स्ट मीडिया का इस्तेमाल करना, मीडिया चलाना, मीडिया का इस्तेमाल न्यूज इस्तेमाल करने के लिए भी और इनकी सहायता होती है। और ऑडियो डिजिटल डिजिटल उत्पादन ऑडियो वीडियो और इनसे कई तरह के विषय हमें मालूम होते हैं। और सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर और आजकल देखते हैं और घर में रहकर भी हम पढ़ रहे हैं, किसकी सहायता से हो रहा है, कृत्रिम उपग्रहों की सहायता से हो रहा है। अब और मेरा पाठ आप तक पहुंच रहा है, कौन पहुंचा जा रहा है, और कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम उपग्रहों की सहायता से मेरी आवाज और मेरे वीडियो आप घर तक पहुंच रहा है। और कम्युनिकेशन और संपर्क करने के लिए, संपर्क माने कम्युनिकेशन, संपर्क के लिए मीन्स फॉर कम्युनिकेशन पर्पस आल्सो वी आर यूजिंग मैन मेड सैटेलाइट और वेब शैक्षणिक वेबसाइट फैक्स और जो भी हो। और आज ट्रेंड में हम यूज कर रहे हैं और इन उपकरण इसकी सहायता चल रहा है, कृत्रिम उपग्रहों की सहायता से चल रहा है। बच्चे और कृत्रिम उपग्रह जीवन में हमारे लिए एक वरदान है, वरदान मीन्स ग्रेट गिफ्ट, ग्रेट गॉड गिफ्ट है। इसलिए उपग्रह रहने से हम तरह तरह के काम बहुत आसानी से कर रहे हैं और यह एक वरदान है। और यह नहीं तो और ये पूरे विषयों में हम पीछे पड़ जाते हैं और देश का विकास भी नहीं होगा। इसलिए कृत्रिम उपग्रहों की सहायता से हम शिक्षक के रूप में भी और अध्ययन ले लेंगे और अध्ययन से भी अपना गुणों का विकास भी होता है। और यहाँ पर देखिए भाषा की बात देखिए 27 टेक्स्ट बुक में, और भाषा की बात देखिए तो आपको भाषा की बात माने क्या है, व्याकरण, भाषा की बात माने क्या है, व्याकरण। और व्याकरण में हमें इसके बारे में जानेंगे आज, और यह हो गया एक बार पढ़ेंगे प्रशंसा में प्रश्न दिया, पाठ में बताया गया है कि अब कृत्रिम उपग्रह शिक्षक का भी काम कर रहे हैं, वे शिक्षक के रूप में क्या क्या काम कर सकते हैं, और क्या क्या काम कर सकते हैं, कई माध्यमों में रहकर कृत्रिम उपग्रह मानव को अधिक सहायता दे रहे हैं, और यहाँ पर दे रहे हैं। और शैक्षिक टीवी
रेडियो, वेबसाइट के लिए और खोज के लिए मीडिया का इस्तेमाल करना और ऑडियो वीडियो सॉफ्टवेयर संपर्क के लिए शिक्षक के रूप में रहकर संपर्क के लिए हमें सहायता कर रही है। और इसके बाद भाषा की बात में आपको व्याकरण अंश में भाषा की बात में कौन सा भाग के लिए यहाँ पर चर्चा है, सर्वनाम। आप जानते हैं संज्ञा सर्वनाम क्या है। संज्ञा सर्वनाम भाषा की बात में मुख्य भाग है और इसके बारे में आज हम सर्वनाम के बारे में परिभाषा जानेंगे। परिभाषा मीन्स डेफिनेशन। आप जानते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण क्या है। और यहाँ पर भाषा की बात में आपको भाषा की बात में किसके बारे में जानेंगे, सर्वनाम। आप जानते हैं सर्वनाम माने क्या है, प्रणाम। आप जानते हैं व्हाट इज प्रणाम, इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रणाम। सो यहाँ पर हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा। संज्ञा माने क्या है, नाउन। संज्ञा माने क्या है, नाउन। और नाउन के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे संज्ञा है, मेरा नाम कल्याणी है। और यहाँ पर संज्ञा माने क्या है, एक व्यक्ति वस्तु जगत का नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर मेरा नाम कल्याणी है और यहाँ पर संज्ञा क्या है, कल्याण। और कल्याणी और इसके लिए और इसका प्रयोग हो गया, इसके लिए इसका प्रयोग हो गया। और यहाँ पर बालक का नाम रवि है, बालक का नाम रवि है। और यहाँ पर बालक का नाम रवि है, वह निजामाबाद में रहता है, निजामाबाद में रहता है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर तो रवि क्या है, संज्ञा है, नेम है। और निजामाबाद क्या है, यहाँ पर नेम है। और ये संज्ञा है और ये संज्ञा है। यह तो जातिवाचक संज्ञा में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर रवि के लिए मैंने वह का प्रयोग किया, रवि के लिए वह का प्रयोग किया। और रवि क्या है, संज्ञा है। और रवि की संज्ञा के लिए मैंने वह का प्रयोग किया, इसलिए संज्ञा के स्थान पर रवि का प्रयोग होने से संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द वह है, संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द वह है। इसलिए वह को क्या कहते हैं, सर्वनाम। क्या कहते हैं, सर्वनाम। और वह, और यहाँ पर मेरा नाम कल्याणी है, मैं अध्यापिका हूँ, मैं अध्यापिका हूँ।
यहाँ पर मेरा नाम कल्याणी है और मैं और कल्याणी के बदले हमने क्या उपयोग किया, मैं एक सर्वनाम है। और यह नाम के लिए मैंने मेरा का प्रयोग किया, मेरा का उपयोग किया और यहाँ पर मेरा क्या है, सर्वनाम। समझे बच्चे? और यहाँ पर सर्वनाम माने क्या है, कुछ शब्द होते हैं, उन शब्दों का प्रयोग कब होता है, किसी नाम किसी व्यक्ति के नाम पर उपयोग किया जाता है, किसी प्लेसेस के बारे में बताने से और उस प्लेस के बारे में और थोड़ा एक्सप्लेनेशन करना है तो उसे प्लेस के जगह पर हम कुछ वह यह यहाँ वहाँ ऐसे शब्द उपयोग करते हैं। इस तरह के शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। आप जानते हैं सर्वनाम के शब्द क्या क्या होंगे, देखिए मैं, तुम, आप, हम, वह, यह, ये, वे, इसने, उसने। और इन शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। कि कैसे आ जाते हैं ये शब्द बताइए, और ये शब्द कैसे आते हैं, देखो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो मैं, मैं लड़की हूँ। यहाँ पर मैं क्या है, सर्व। लड़की क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, वो लास्ट क्लास में आपको नहीं बताई, फिर भी संज्ञा आने से आपको सर्वनाम आ जाएगा, लेकिन सेवंथ क्लास में ऑलरेडी संज्ञा के बारे में परिभाषा हो गई, फिर भी मैं भी रिपीट करूंगी। और सितंबर के पोर्शन में जो सर्वनाम है इसलिए ऐसा हुआ, तुम कौन हो, तुम कौन हो, और ऐसे क्वेश्चन मार्क कौन हो, कौन क्वेश्चन डाल आया, इसलिए तुम क्या है, सर्वनाम। और यह सेब है, यह सेब है। और ऐसा मैं रेखांकित करने से आपको पता हो जाएगा कि मैं, तुम, यह, ये शब्द सर्वनाम के शब्द है। ऐसा उदाहरण के साथ हम परिभाषा भी दे सकते हैं, आप गायक हैं, आप गायक हैं। और यहाँ पर बिंदी लगाना, क्यों, यहाँ पर बड़े लोग हैं, आप माने क्या है, रेस्पेक्टेड, इनके लिए बिंदी लगाना, मीरु गायकुलु, नुकु गायकुलु भी अंडा लग रहा है ना, रेस्पेक्ट पॉइंट, काबट मीरु गायकुलु, आप गायक हैं। और यहाँ पर आप क्या है, सर्वनाम। और यहाँ पर यहाँ पर क्या है, एक एप्पल समझो, नहीं तो आम, आम और यहाँ पर आम है, यह आम है, यह आम है। और इसी यह क्या कहते हैं, सर्वनाम। और यहाँ पर देखो,
टेक्स्ट बुक में आप देखो तो वह नित्य नए सपने देखता, और पाठ में धरती की आंख के पाठ में एक राजा रहता था, वह रोज सपना देखता था। एक राजा रहता था और वह क्या देखता था, वह मीन्स किसके बारे में हुआ, राजा के बारे में। राजा, एक राजा था, राजा को एक सपना आया, राजा को नित्य सपने देखने का शौक था। और इस राजा 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 कई बार हम कह नहीं सकते, इसलिए क्या करते हैं, हम वह का उपयोग करते हैं। और इसलिए वह नित्य सपने देखता, और आपका यह सपना अवश्य सच होगा, आपका यह सपना अवश्य होगा, आपका यह सपना। यहाँ पर यह क्या है, सर्वनाम है। इस तरह से धरती की आंख की पाठ से हमें कई तरह के ये शब्द देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर वे सब देख लेते हैं, वे सब देख लेते हैं। और यह वे वह वे और ये क्या है, ये भी सर्वनाम ऐसा ले सकते हैं। और ऊपर यहाँ पर दिए गए वाक्यों में वह यह शब्द संज्ञा अथवा नामों के स्थान पर आए हैं। और यहाँ पर मैं लड़की हूँ, और यहाँ पर क्या है, नाम भी आ सकता है, यह कल्याणी है, यह सीता है, ऐसा तुम्हारा नाम सीता है, और वहां पर तुम्हारा क्या है, वो सर्वनाम है। उसी प्रकार मैं संज्ञा के स्थान पर, और कभी कभी एक राजा था, वह दयनीय था, वह दयनीय, दय का लगा दयनीय था। और यहाँ पर और यह राजा के जगह पर मैंने वह शब्द लिया, और इसे कहते हैं सर्वनाम। कहाँ कहाँ नाम होते हैं वहां पर हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, इन शब्दों को कहते हैं सर्वनाम। और यहाँ पर देखिए, मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, वह, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या आदि भी सर्वनाम के उदाहरण है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये तरह तरह के शब्द सर्वनाम में आ जाएंगे, लेकिन और ये भी कुछ प्रकार के सर्वनाम होते हैं, और सर्वनाम इसे कहते हैं संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को। నౌన్ ప్లేస్ లో ఏవైతే పదాలను మనం వాడతామో వాటిని సర్వనామాలు అంటాము. అయితే ఇప్పుడు రాముడు వచ్చాడు, అతడు వచ్చి పాఠం చదివాడు అన్నాను. అతడు అని మనం అక్కడ వాడుతున్నాం కదా, ఆ అతడు అనేదే సర్వనామం. అంటే పేరుని ప్రతిసారి వాడకుండా మనం ఆ పేరు ప్లేస్ లో కొన్ని పదాలని వాడుతుంటాం, వాటిని ఏమంటారు, సర్వనామ పదాలు అంటారు. అదే విధంగా సంజ్ఞా కే స్థాన్ పర్, నామ కే స్థాన్ పర్ కుచ్ శబ్దం కా ప్రయోగ్ హోతా హై, ఔర్ ఉన్ ఉన్ శబ్దం కో సర్వనామ శబ్ద కహతే హై. ఔర్ ఐసా, ఔర్ సర్వనామ కే బారే మే పరిభాష హో గయి, డెఫినేషన్ హో గయి, ఔర్ డెఫినేషన్ కే పహలే ఆప్కో నౌన్ కా పదా చల్నా హై, ఔర్ నౌన్ మానే క్యా హై, సంజ్ఞా, ఔర్ సంజ్ఞా किसी वस्तु, व्यक्ति, जगह का नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के बारे में आप जानते हैं, और सर्वनाम कैसे भी आप पहचान सकते हैं। और नाम के अलावा वस्तुओं के लिए नाम होता है, यह एक वस्तु है, ये क्या है, यह पुस्तक है, पुस्तक माने क्या है, संज्ञा है। और ये क्या है, चौकपीस है, यह चौकपीस है, और ये इसे कहते हैं चौकपीस, इसका नाम क्या है, चौकपीस, यह एक वस्तु है। और यहाँ पर यह क्या है, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक नहीं है, हरा है, हरा पट है, और यह एक वस्तु है, इसका नाम है हरा पट।
और इसे क्या कहते हैं संज्ञा। और इस प्रकार से और इस पाठ के बारे में सोचे तो हम पाठ पढ़े हैं टेक्स्ट बुक में और उस पाठ का नाम क्या है धरती की आंखें और वहां पर पाठ का नाम है वो संज्ञा है। एक लड़की का नाम होने दो, एक लड़का का नाम और पुरुष स्त्री और घर में रहते टीवी फ्रिज सोफा और ये क्या है नाम है और उन नाम के बारे में बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं संज्ञा कहते हैं नाउन कहते हैं। माँ इंट्लो टीवी उंदी आदि पारे माँ इंट्लो टीवी उंदी टीवी अने नामवाचक संज्ञा तेलुगुलो नामवाचकम अयिते आ तेलुगुलो नामवाचकम अंटे एंटि पेर्लनु तेलिपे पदान्नि नामवाचकालु अंटारु। అలాగే మరి పేర్లను తెలిపే పదాన్ని ఏంటంటే ఇక్కడ పేర్లను తెలిపే పదాన్ని నామవాచకమైనప్పుడు ఆర్ వస్తువుకే నామ బతానే వాళ్ళ శబ్దంకో సన్నా కర్తే వస్తువుల పేర్లను తెలిపేది మనుషుల పేర్లు ప్రాంతాల పేర్లు ఇలా భావాలు ఫీలింగ్స్ ని కూడా మనం నౌన్ అని చెప్పచ్చు ఫీలింగ్స్। ఆర్ ముజే బహుత్ పేట్ పే దరద్ హై మై కైసే రహతీ హూ बहुत दुख से रहती हूँ इसलिए वो दुख दिखता है बाहर नहीं दिखता लेकिन वो जो फीलिंग होता है उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। फीलिंग्स को भी टाइप ऑफ नाउन्स है अब्स्ट्रैक्ट नाउन इंग्लिश में कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसलिए आपको नाउन कितने प्रकार के होते हैं छह प्रकार के होते हैं छ नहीं पांच प्रकार के होते हैं। और यहाँ पर आपको सर्वनाम सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के होते हैं बच्चे छह प्रकार के होते हैं और छह प्रकार के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और जब तक आप क्या करना है और दिए गए प्रश्न उत्तर को नोट्स में लिखना है और बाद में ये भी टेक्स्ट बुक में है और टेक्स्ट बुक में जो है सर्वनाम के लिए डेफिनेशन लिखना है और वो टाइप से हम कल चर्चा करके सर्वनाम के बारे में कौन कौन से शब्द किस सर्वनाम से बुलाया जाता है और देखेंगे। जब तक हम और इन वाक्यों पर ध्यान देना है और नोट्स भी प्रिपेयर करना है आपको कल सर्वनाम के जो प्रकार होते हैं और उसके बारे में जानेंगे। अच्छे बच्चे आज के लिए मैं रहूँगी।